हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का वीडियो एक बिग न्यूज़ भी आप सभी के साथ शेयर करनी है, और साथ ही साथ थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि मैं किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। और ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है ढोकला, जो कि एक गुजराती स्नैक्स में काउंट होता है। बट अगर जिन लोगों को वेट रिड्यूस करना है उनके लिए ये ढोकला कैसे बेनिफिट करता है, आज के उस पूरे वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और साथ में मैं आपको दिखा दूं कि मेरा सर्टिफिकेट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन का आ चुका है। सो दिस इज़ माई सेकेंड सर्टिफिकेशन इन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में मैंने क्यों किया है, बिकॉज मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि न्यूट्रिशन वैल्यू जितनी अच्छी आपकी है, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, किसी भी जोन में है, वेट लूज करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, या बॉडी को मेंटेन करना चाहते हैं, तो हर सेक्शन के लिए, हर पॉइंट के लिए आपके लिए न्यूट्रिशन वैल्यू होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्कआउट नहीं भी कर रहे हैं तब भी अगर आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी है तो आप अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर चैनल पर कोई नया है, पहली बार इस वीडियो को कोई देख रहा है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो सबसे पहले आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचेगी बाय ईमेल और बाय नोटिफिकेशन ऑन योर फोन। सो थैंक यू गाइस। और आज के इस वीडियो में ढोकला के बेनिफिट में बताऊंगा, जो कि इवनिंग स्नैक्स में आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। एक्सेप्ट ये समोसा, कचौरी, ये चीजें छोड़ के ढोकला को क्यों चूज करना चाहिए, उसके सारे के सारे बेनिफिट आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो मैंने एक वीडियो इवनिंग स्नैक्स का बना रखा है, उसके बीच में ढोकला मैंने ऐड नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ लिंक हो रहा है, उस वीडियो को इवनिंग स्नैक्स को देख सकते हैं। साथ ही साथ ये ढोकला आपको इवनिंग स्नैक्स में या ब्रेकफास्ट में क्यों ऐड करना चाहिए, बिकॉज ढोकला एक अच्छा प्रोटीन और फाइबर का सोर्स होता है। और ढोकला जो होता है वो स्टीम करके बनता है, फ्राइड नहीं होता है, बिकॉज जो चीज़ फ्राइड करके बनती है, डीप फ्राई करके बनती है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। रीज़न ये होता है कि जितना आप फूड को ओवर कुक करते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाती है। तो ढोकला स्टीम करके बनता है, ठीक है, तो जितनी जो चीज़ स्टीम करके बनती है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू रहती है। तो इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, फाइबर, स्टीम करके ये चीज़ बनी होती है, ऑयली नहीं होती है। तो ढोकला जो बनता है वो बेसन से बनता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग चीज़ से भी बनता है, पर बेसन का बेनिफिट मैं आपको बताऊं तो बेसन एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है। जितना अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है आपकी बॉडी की नीड उतनी ही अच्छी पूरी होती है, ठीक है। साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके लिए भी ये बेसन बहुत हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इसमें B1, B2 फॉलिक एसिड होती है, जो हमारे डाइजेशन प्रोसेस को स्मूथ करते हैं। तो बेसन का भी एक बहुत मेजर रोल है ढोकला के बीच में। आसपास कोई डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए भी आप ये ढोकला सजेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वैल्यू बहुत कम होती है, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वैल्यू जिन फूड में कम होती है वो हमेशा हमें बेनिफिट देते हैं और हमें ओवरवेट और हमें इन चीज़ों से हेल्प करते हैं कम करने में, ठीक है। अब क्या होता है कि फाइबर की रेशो भी बहुत अच्छी होती है ढोकला में। अगर फाइबर अगर आपने खा रखा है तो काफी देर तक स्टमक फुल रहता है, तो बेसन का बेनिफिट भी ये होता है कि फाइबर की रेशो बेसन में अच्छी होती है। जो लोग ग्लूटेन फ्री होते हैं, जिन लोगों को ग्रेन खाने की आदत नहीं होती, ठीक है, तो वो चीज़ भी बेसन में अच्छी रेशो होती है एज कम्पेयर टू वीट, जो आपके आटा दाल होता आटा होता है, ठीक है, उससे अच्छी रेशो होती है। एक ढोकला में 70 से लेकर 75 अप्रॉक्सीमेटली कैलरीज होती है, तो इतनी ज़्यादा कैलरीज नहीं होती हैं। अगर जिनको डायबिटिक्स पेशेंट के लिए एक और सजेशन है कि जिनको डायबिटिक की प्रॉब्लम होती है, स्वीटनेस की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ढोकला आप खा रहे हैं तो स्वीट डायबिटिक पेशेंट को अच्छा नहीं होता, तो कम स्वीट वाला ढोकला आप बना सकते हैं घर में, तो वो डायबिटिक पेशेंट को आप खिला सकते हैं। सो यार, इवनिंग में जो भी आप स्नैक्स चूज करते हैं ना, मतलब मोस्टली जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं वो हमेशा ही बोलते हैं कि मैं चाय पीता हूँ, ठीक है, और चाय के साथ बिस्किट ले लेता हूँ, या फिर कभी कोई पैटी, कोई समोसा, कोई इस तरह की चीज़ें लेते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बेस्ट ऑप्शन है इवनिंग स्नैक्स में ढोकला। ब्रेकफास्ट में भी आप ऐड कर सकते हैं, बट अगर आपको थोड़ा हैवी मील करना है तो आप ब्रेकफास्ट में ढोकला ना ऐड करें। अगर आपको इवनिंग स्नैक्स में कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो आप ढोकला सबसे सिंपलेस्ट वे होता है, आप उसको ले सकते हैं। साथ ही साथ आप थोड़ा सा एडवांटेज इसमें क्या कर सकते हैं कि जब आपने ढोकला लिया, ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि 70 कैलोरी या 75 कैलोरी के करीब करीब एक ढोकला में होता है, अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम अगर ढोकला आप खा रहे हैं तो 160-165 के करीब करीब उसमें कैलोरीज होती है। कॉम्प्लेक्स कार्ब की रेशो बहुत अच्छी होती है इसमें, ठीक है। अगर एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि यार, बेसन के बारे में डिस्कस कर रहा था ना कि जो ढोकला बनता है वो बेसन से भी बनता है, तो बेसन के एक इस वीडियो में टिप भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि
अगर बेसन का चीला आप ब्रेकफास्ट में लेते हैं ना तो वेट रिड्यूस करने में वो भी हेल्प करता है। तो आप अपने डाइट प्लान को खुद ही सजेस्ट कर सकते हैं। सोचिए अगर आपने ब्रेकफास्ट में बेसन का चीला लिया है, ठीक है, और साथ में इवनिंग स्नैक्स में आपने ढोकला लिया है, तो आपका वेट जो आपकी कैलोरीज हैं वो कम हो जाएंगी। आपकी कैलोरीज कम होंगी तो आप अपने वेट को रिड्यूस आसानी से कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं। ढोकला सोचते हैं लोग कि यार नहीं नहीं ढोकला नहीं खाना चाहिए, या गुजराती डिश है। इंडियन खाना हमेशा से अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू रहा है इंडियन खाने की, बट हम लोगों ने उसको वेस्टर्न उसमें डाल दिया तो यार वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो ये सारा का सारा चीज़ें, ढोकला के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं, अच्छी प्रोटीन की रेशो होती है, अच्छी फाइबर होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वैल्यू कम होती है, बेसन की वजह से डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये सारी B1 B2 फॉलिक एसिड की रेशो अच्छी होती है ढोकला के बीच में, बेसन के बीच में, और ये सारे के सारे आपके मेटाबॉलिज्म और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा करता है। तो जिन लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, अगर फ्रूट में वो पपाया नहीं खा रहे हैं तो वो ढोकला खा के देखें, हफ्ता 10 दिन, आपको खुद को पता लग जाएगा कि आपका जो गट है, आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो इम्प्रूव होगा धीरे धीरे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और किसी को भी अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और मेरा ये सर्टिफिकेट आ चुका है, अगर किसी को कस्टमाइज डाइट प्लान और या फिर कस्टमाइज एक्सरसाइज चार्ट विदाउट एनी इक्विपमेंट घर पे ही परफॉर्म करना है, बिकॉज लॉकडाउन लगा नहीं है, बट आप जिम नहीं जा रहे हैं, लोग बहुत कम जा रहे हैं जिम लोग, तो मैं चाहता हूं कि आप घर पे ही अपने आप को फिट करें। और कोई भी क्वेरी है तो मेरे सोशल नेटवर्क के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर द लव एंड सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग मी। सो अब मैं थोड़ा ढोकला चख लूँ, बिकॉज यह सही बता रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। और इसमें वाटर की रेशो ना, जब आप इसको खाओगे ना, इसमें वाटर की रेशो भी बहुत अच्छी है। जैसे कि वाटरमेलन में वाटर की रेशो अच्छी होने तो होती है, जब आप उसको खाते हैं तो आपका स्टमक भी पूरा रहता है और आपको भूख नहीं लगती है। वैसे ही ढोकला एक ऐसा गुजराती स्नैक होता है जो आपको फुल करता है आपके स्टमक को, और इसके बेनिफिट भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। तो मैं आप ढोकला इंजॉय करता हूँ, और जिन लोगों को कोई मिथ है, कोई डाउट है ढोकला के बारे में, वो मुझे लगता है कि बेसिक आइडिया क्लियर हो गया, आप इसको इवनिंग स्नैक में ऐड करें। और प्लीज़ आप बताइए कमेंट बॉक्स में, आपको कोई डाउट लग रहा है, कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे सारे सोशल नेटवर्क के लिंक वहाँ पे डाल रखें। थैंक यू गाइस फॉर द लव एंड सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग मी।